हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फॉर्म फोर सेमेस्टर। सो उसमें हम पिछले लेक्चर में ड्रग मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट कर चुके थे। सो नेक्स्ट टॉपिक उसमें हमारा क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म जो हमारी है प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सो उसका मैंने फ्लो चार्ट भी दे रखा है जिससे आपको आसानी समझ में आ सके। यहाँ पर क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हुई, केमिकल फैक्टर्स हुए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हुए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हुए, स्टीरियोकेमिकल एफेक्ट्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल हुए। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं उसको अफेक्ट करते हैं। इनके जितने भी प्रोसेस हैं हम हर एक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अगेन, फिर इनके पैरामीटर्स क्या हैं, एटमोसफियर है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। सो हर एक को आप फ्लोचार्ट से अच्छे से समझ भी जाएंगे। एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कौन कौन से जैसे हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एज है, सेक्स हुआ, डाइट हुआ, एंड एल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट हुआ। सो इसको मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा जिससे आपको आसानी समझ में आ सके। सो स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये हमारा कैसे इफेक्ट शो करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा केमिकल फैक्टर्स हैं। तो केमिकल फैक्टर्स में हमारी दो प्रोसेस होती हैं, एक हुआ एंजाइम रिडक्शन होता है, सेकंड क्या है, एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम रिडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें क्या है, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स बाय सेवरल ड्रग्स और केमिकल्स इज कॉल्ड एज एंजाइम रिडक्शन। एजेंट्स व्हिच अफेक्ट आर कॉल्ड एज एंजाइम इंड्यूसर्स। तो यहाँ पर जो एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम की जो सिंथेटिक सिंथेसिस है उसके रेट को बढ़ा देते हैं। तो जब सिंथेसिस के रेट, जैसे आप एज एग्जांपल समझें, मान लीजिए हमारी यहाँ पर कोई भी ड्रग है, ये हमारी कोई भी ड्रग है, तो जो एंजाइम इंड्यूसर होंगे हमारे वो क्या करेंगे, एंजाइम के रेट ऑफ सिंथेसिस को इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पर रेट ऑफ सिंथेसिस बढ़ा देंगे। तो जब रेट ऑफ सिंथेसिस हमारी बढ़ जाएगी तो मेटाबॉलिज्म भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा देन उसका इनएक्टिवेशन भी प्रोसेस भी इंक्रीज होगा और एलिमिनेशन भी इंक्रीज होगा। मींस ये क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म की जो हमारी एक्टिविटी है उसको बढ़ा दे रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा तेजी से हो रहा है। तो एंजाइम इंडक्शन का प्रोसेस मेनली यहाँ पर यही होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडक्शन क्या होता है, ड्रग में भी मेटाबोलाइज मोर रैपिडली, जो ड्रग हमारा है वो बहुत तेजी से मेटाबोलाइज होता है, और मेटाबोलाइज टू लेस एक्टिव मेटाबोलाइट। जैसे अगर कोई भी, जैसे हमने पढ़ा था पॉइजनिंग वाला में, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर उसको भी एलिमिनेट करता है तो उसके जब इफेक्ट को कम करना होता है तो वहाँ पर भी उसको लेस एक्टिव करने में भी इनका वर्क होता है, उसके जो मेटाबोलाइट है उसको लेस एक्टिव भी करते हैं। एज एग्जांपल क्या है इसमें, जैसे हमारा फिनोबार्बिटल हुआ, वो क्या करता है, जब हमको हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता है तो वो एज एंजाइम इंड्यूसर का काम करता है, और वो क्या करता है, जो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज है एंजाइम, इसके रेट ऑफ सिंथेसिस को बढ़ा देता है जिससे जो प्रोसेस हमारी हो तेज हो जाती है, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो तेज हो जाती है। एंड क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड्स हुआ, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जो ये हमारा है क्या, रिफेम्पिन, ये क्या कर रहा है, इंड्यूसर का वर्क कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इंडक्शन प्रोसेस हो रही है, जो इंड्यूसर होते हैं वो ही इंडक्शन प्रोसेस को करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा साइटोक्रोम क्या है, इसकी जो एक्टिविटी है जो उसको बढ़ा देते हैं, जिससे जो ये इस जो हमारी ड्रग होगी उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मीन्स इनएक्टिवेशन प्रोसेस हुई, एलिमिनेशन प्रोसेस हुई, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुई, ये सब बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंजाइम इनहिबिशन, द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी, मीन्स उसका जस्ट अपोजिट है। जो जैसे पहले डिफिनेशन देख लीजिए, द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। रिजल्ट मीन्स इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ये क्या करेंगे, जैसे जो मेटाबॉलाइजिंग एक्टिविटी है, जैसे हमारी यहाँ पर, जैसे हम अगेन मेडिसिन लेते हैं, ये हमारी क्या हुई, मेडिसिन हुई, और यहाँ पर हमने कोई एंजाइम क्या है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा एंजाइम इनहिबिटर है, इसको हमने अप्लाई किया, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, मेटाबॉलाइजिंग जो रेट है, मेटाबॉलिज्म रेट है, इसको ये डिक्रीज करेगा, इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा, इसको डिक्रीज कर देगा। तो ये ड्रग हमारी बॉडी में देर तक बनी रहेगी, मीन्स इसका एक्शन हमारी बॉडी में देर तक रहेगा, काफ़ी समय तक रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या करता है, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, जो ड्रग का ड्यूरेशन है एक्शन का उसको ये बढ़ा देता है, एंजाइम इनहिबिशन। इसको अगेन फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट इनहिबिशन एंड इनडायरेक्ट इनहिबिशन, मीन्स अकर्स ड्यू टू इंटरक्शन एट एंजाइमेटिक साइड। ये क्या है, कॉम्पिटेटिव होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो कॉम्पिटेटिव होता है, जैसे इसमें है, मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई भी ये हो गया हमारा एंजाइमेटिक जो साइट है, एंजाइम हमारा उसका ये साइट हो गया, तो
तो जब कॉम्पिटेटिव होता है वहाँ पर सेम मॉलिक्यूल, जैसे ये दोनों एक ही होगा और एक ही होगा, मीन सेम मॉलिक्यूल एक साथ, तो इनके बीच क्या होता है कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए, ज्वाइन डायमेटिक साइट है जो उससे बाइंडअप के लिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो मीन्स जब सेम जो है मॉलिक्यूल जो है एक ही एंजाइम से बाइंड अप करने के लिए कॉम्पिटिशन करते हैं तो वहाँ पर ये होता है, ये प्रोसेस होती है कॉम्पिटेटिव। एंड नेक्स्ट क्या हमारा नॉन कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है मीन्स जैसे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं मीन्स डिफरेंट टाइप एक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, मैं इधर से भी किया इधर से, तो जो ये ड्रग मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देते हैं, उसके रेट को डिक्रीज कर देते हैं। एंड नेक्स्ट क्या हमारा इनडायरेक्ट इनहिबिशन, ये क्या है इसमें भी दो होता है ड्यू टू डिक्रीज इन एंजाइम कॉन्टेंट। यहाँ पर जैसे एक रिप्रेशन प्रोसेस, रिप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है जो एंजाइम की सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लेस हो जाती है, उसका प्रोडक्शन या तो एंजाइम के प्रोडक्शन को कम कर देंगे मीन्स उसकी रेट ऑफ सिंथेसिस घटा देंगे या एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको ये घटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है एल्टर्ड फिजियोलॉजी ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस, मीन्स हमारे बॉडी में कोई अचानक कोई डिफिशियंसी हो गई मीन्स जैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, हार्मोनल कोई इम्बैलेंस हुआ तो उससे क्या होता है ये प्रोसेस इंक्रीज होती है, मीन्स ये जो होता है इनडायरेक्ट इनहिबिशन ये अकर करता है। इसका एग्जांपल क्या है जैसे टर्फेनन एडाइन हुआ, यहाँ पर क्या कर रहा है साइटोक्रोम हमारा कवर कर रहा है ना, तो यहाँ पर जो हमारा इनहिबिटर है जैसे ये क्या है एरिथ्रोमाइसिन कीटोकोनाजोल, ये हमारा इनहिबिटर कवर कर रहा है और इनहिबिशन प्रोसेस को करा रहा है जिससे क्या होता है एक्टिव एंटीहिस्टामाइन हमारा बन रहा है जो क्या है लॉन्ग एक्टिंग है मीन्स इसकी जो एक्टिविटी है उसको ड्यूरेशन है जो उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स, इसको आप पढ़ भी चुके हैं जैसे आयनाइजेशन जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज थी यही फैक्टर्स हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। इसमें जैसे दिस आल्सो अफेक्ट्स ड्रग मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या जैसे मॉलिक्यूलर साइज हुआ शेप हुआ पीके हुई एसिडिटी हुई बेसिसिटी हुई एंड लाइपोफिलिसिटी हुई, इसमें भी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो आप इसको फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज आप इसको सेकंड चैप्टर में पूरा पढ़ भी चुके हैं तो इसको मैंने केवल फ्लो चार्ट दे दिया जिसे आप वैसे समझ जाएं। तो यहाँ पर क्या होता है इंटरेक्शन विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जो ये सारे हैं ये पैरामीटर्स हैं जो क्या करते हैं इंटरेक्शन कर देते हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट वहाँ पर इंटरेक्शन होता है जिससे क्या ये क्या कर रहे हैं उसको अफेक्ट करते हैं मीन्स मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको या तो घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे। जैसे आयोनाइजेशन हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हो रहा था जैसे आयोनाइजेशन क्या था ड्रग मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कर रहा था मीन्स जैसे हमारे सेल मेंटर करता था, तो आप देख सकते हैं उसको वीडियो का लेक्चर उसका अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर को भी मैंने फ्लो चार्ट दिया जिससे आपको आसानी से समझ में आए, मैंने सारे को फ्लो चार्ट में देने की कोशिश की है। यहाँ पर क्या हुआ जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट हमारा क्या है एज हुआ, तो एज में क्या हुआ जैसे न्योनेट्स मतलब क्या होता है जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे इन्फेंट अंदर अप टू 2 मंथ्स होते हैं तो एंड इन्फेंट्स क्या होते हैं टू मंथ से लेकर 1 ईयर तक के जो हमारे चाइल्ड होते हैं वो बच्चे, तो वहाँ पर क्या होता है माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम इज नॉट फुली डेवलप्ड, जो जैसे छोटे जो बच्चे हैं उनमें माइक्रोसोमल एंजाइम जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता जिससे वो मेटाबॉलिज्म को अच्छे से करा सकें, उनके बॉडी में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। तो वहाँ पर क्या होता है मेनी ड्रग्स मेटाबोलाइट स्लोली, वहाँ पर जो ड्रग्स होती हैं हमारी स्लोली मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे क्या है हाफ लाइफ ऑफ कैफीन जैसे इन न्योनेट्स में क्या होता है 4 डेज का होता है जबकि जो एडल्ट हैं जैसे जो एडल्ट हैं 18 हैं या 12 प्लस हैं उनका क्या होता है 4 आवर्स में उनमें मेटाबोलाइज हो जाता है। अब जैसे चिल्ड्रन को ले लिया जाए ये तो छोटे बच्चे को लिए हो गया, अब चिल्ड्रन को जैसे वो 1 से 12 ईयर तक के वहाँ पर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या मैक्सिमम होता है क्योंकि जो उनका डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है और थोड़ा वो न्यूली डेवलपमेंट होता है जिससे उनके क्या होती है उनमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स के कंपैरिजन में उनमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है रिक्वायर लार्ज एमजी केजी डोज देन एडल्ट से भी ज़्यादा उनमें डोज की आवश्यकता होती है जिससे क्योंकि वो अच्छे से मेटाबोलाइज कर लेते हैं। एज एग्जांपल हाफ लाइफ ऑफ थियोफाइलिन इज इन चिल्ड्रन इज 2/3 ऑफ दैट इन एडल्ट्स, मीन्स ये क्या होता है इसमें उसमें क्या हो चिल्ड्रन में इनकी जो हाफ लाइफ है वो 2/3 एबव होती है मीन्स एडल्ट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारा क्या हो एल्डरली मीन्स एडल्ट से भी थोड़े बड़े होते जो एल्डरली होते हैं उनमें क्या होता है रिड्यूस लीवर साइज, उसमें क्या क्या जैसे ये हो गया उनमें ये इफेक्ट होता है मीन्स कुछ कमी हो रहती है क्योंकि जिससे उनमें मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है उनका, जैसे लीवर साइज रिड्यूस हो गया हिपेटिक ब्लड फ्लो को रिड्यूस हो गया
एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। तो जब उनके बॉडी में ये सारे जो है यहाँ हो जाते हैं, मिस अकर्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग का वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनको एल्डर होने की जगह जैसे थोड़े जो बुजुर्ग हैं उनमें ये हो जाता है एज अ एज डिफरेंस की वजह से। तो वहाँ पर जब उनमें ये सब जैसे हमारा लीवर है मेन साइट है ड्रग मेटाबॉलिज्म, जब वही रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पर ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो जाएगा। तो मैंने था नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है इसमें, फर्स्ट ये था, नेक्स्ट क्या है हमारा डाइट है। यहाँ पर लो प्रोटीन डाइट डिक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड हाई प्रोटीन डाइट इंक्रीजेज द ड्रग मेटाबॉलिज्म। जब हम लो प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ड्रग मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज होगा, और हाई प्रोटीन डाइट ड्रग मेटाबॉलिज्म को जो लो प्रोटीन डाइट है वो डिक्रीज करेगा और हाई प्रोटीन डाइट इंक्रीज करता है, बिकॉज एंजाइम सिंथेसिस इज प्रोमोटेड। जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। एंड डाइट में क्या, जैसे ग्रेप फ्रूट लेते हैं हम, ग्रेप्स हुए वगैरह हुए फल में हुआ, तो इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग्स, ये क्या करते हैं इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हुआ, टर्फेनाडाइन, इसकी जो है मेटाबॉलिज्म को ये डिक्रीज करते हैं, रोकते हैं। एंड फैट फ्री डाइट लेते हैं, जैसे फैट फ्री हो कुछ लेते हैं उसमें फैट्स इन्वॉल्व नहीं हो, प्रेजेंट ना हो, तो वो क्या करते हैं डिफरसेस साइटोक्रोम P45, यहाँ पर क्या करते हैं ये इसको डिफरेंस करते हैं, मीन्स इसको कम करते हैं इसके लेवल को, एंड डिक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। क्योंकि यही जो हमारा जैसे फेज फाइव में हमने पढ़ा था कि ये क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म को मैं पार्टिसिपेट कर रहा था मेनली, तो वहाँ पर जब यही नहीं होगा इसकी डिफरेंस कर देंगे तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है हमारी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, विटामिन डिफिशियंसी आल्सो इफेक्ट ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसको क्या है विटामिन भी क्या है इफेक्ट करते हैं। जैसे विटामिन डिफिशियंसी करता है वो डिक्रीज करता है डी एल्काइलेशन एंड हाइड्रोक्सीलेशन, इन रिएक्शन को ही वो स्लो कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो जब रिएक्शन ही स्लो होगी तो मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर, सेक्स डिफरेंसेस। जैसे यहाँ पर क्या है, बेंजोडाइजेपाइन्स है, तो ये क्या है इसका मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है ग्रेटर इन मैन देन वुमेन, इसका मेटाबॉलिज्म जैसे एज अ सेक्स डिफरेंस इसमें क्या होता है डिफरेंट होता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वुमेन में इसका कम होता है एंड मैन में ज़्यादा होता है। और ये क्यों होता है, बिकॉज सेक्स रिलेटेड डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म अकर्स ड्यू टू सेक्स हार्मोन्स, क्योंकि जो है डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए सेक्स डिफरेंसेस में क्रिएट आउट होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, मीन जैसे कोई अचानक एक्टिविटी प्रेगनेंसी हुआ उसमें जैसे डिजीज कोई भी हमारे बॉडी में इम्बैलेंस है ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करता है, तो प्रेगनेंसी का मेटाबॉलाइजिंग एबिलिटी रिड्यूस ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। जो प्रेगनेंसी होती है तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन अधिक होता है, जो क्या करते हैं मेटाबॉलाइजिंग एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या है डिजीज स्टेम, मीन जैसे हम कोई भी मैन है वो क्या है डिजीज स्टेम कोई भी ह्यूमन हुआ, तो उसमें क्या होता है रिडक्शन इन हिपेटिक ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है रिडक्शन मीन्स रिड्यूस होता है, क्योंकि जैसे हम कोई भी जैसे मान लीजिए लीवर डिजीज है उसका, मान लीजिए हेपेटाइटिस हुआ या और कुछ हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा मेटाबॉलाइजिंग जो एबिलिटी है वो भी रिड्यूस होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजीज स्टेट में है। नेक्स्ट हमारा क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर में, स्पीसीज डिफरेंस, मीन्स जैसे जो जैसे हमने स्पीसीज पढ़ रखा है, जैसे ह्यूमन का क्या होता है बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस सेपियंस, तो उसमें जो स्पीसीज जो डिफरेंस होता है, यहाँ पर क्या होता है जैसे फिनाइल ब्यूटा जोन हुआ, यहाँ पर क्या होता है हाफ लाइफ 3 आवर्स इन रैबिट एंड हाफ लाइफ 6 आवर्स इन रैट, मीन्स यहाँ पर दोनों की स्पीसीज डिफरेंस है, तो रैबिट में 3 आवर्स होता है इसी ड्रग का, और जो हमारे रैट है उसमें क्या होता है इसी ड्रग का हाफ लाइफ कितना होता है 6 आवर्स। हाफ लाइफ तो आप पढ़ ही चुके होंगे, मीन्स जैसे किसी जो ये समय होता है उतने समय कितने समय में उसने समय में क्या होती है हमारी ड्रग क्या है आधी जो है हमारा मेटाबॉलाइज हो चुकी होती है, वो उसकी हाफ लाइफ होती है उस ड्रग की जितने में हमारी कोई भी ड्रग मेटाबॉलाइज हो चुकी होती है। एंड स्ट्रेन डिफरेंस, ये क्या होता है जैसे एग्जांपल क्या है एसिटाइलेशन रेट इन एशियन पीपल इज हायर और फास्टर देन डैट इन यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन पीपल। यहाँ पर क्या होता है जैसे जो अलग अलग एटमोसफेयर के लोग हैं अलग अलग जगह रहते हैं वो स्ट्रेन डिफरेंस के कारण होता है। जैसे इसमें एसिटाइलेशन एग्जांपल दिया गया है, एसिटाइलेशन रेट क्या है एशियन पीपल में हायर होती है और फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन पीपल। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, इसमें क्या होता है प्रेशर हुआ टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी हुआ ये क्या करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं।
एंड नेक्स्ट क्या हमारा स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, इसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये उसी से रिलेटेड है कि मीन्स जैसे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हमारे ड्रग को, जो हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो कैसे अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंस टू इनेंसियोमर्स। वैसे जैसे जो इनेंसियोमर्स हमारे होते हैं, जो जैसे डाई स्टीरियो आइसोमर्स होते थे, तो जो एंटी क्लॉकवाइज जैसे पॉजिटिव होते थे एंड निगेटिव होते थे हमारे, तो उसमें क्या होता था, ये क्या करते थे, ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते थे। जैसे जो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ एंड लिवर रोटेटरी, मीन्स उनमें जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता था, जो इनेंसियोमर्स होते थे, वो हर एक जो एंजाइम्स होता है वो उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो भी इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर जैसे हेंस रिजल्ट्स इन इनेंसियो सेलेक्टिविटी, मीन्स जैसे जो हमारी ड्रग है उसको सेलेक्टिविटी को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसको हम एज क्या करते हैं, एज अ इनेंसियोमर सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल पर समझिए आप, क्विनिन जो है हमारा वो क्या करता है, ट्रीट्स द मलेरिया जो हमारा लिवो रोटेटरी हुआ, मीन्स जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्या करता है, मलेरिया को ट्रीट करता है। जबकि जब हमको इस स्ट्रक्चर को ले लेते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, तो वो क्या करता है, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता। तो जो इनेंसियोमर्स हैं उनके जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक दूसरे के, जो इनेंसियोमर्स होते हैं स्ट्रक्चर में, वो क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। सो यहीं पर जो हम कवर कर चुके हैं हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को, एंड हियर इज एंड ऑफ द वीडियो, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट ऑन फार्मेसी। लेक्चर्स जो सभी लेक्चर्स के जो है नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।